आज मैं आपको लड़की के इग्नोर करने का न्यू फॉर्मूला बताने वाला हूँ। अगर लड़की आपको इस तरीके से इग्नोर करती है, इसका मतलब है कि वो आपको पसंद करती है। अगर वुमन ऐसे करके आपको इग्नोर कर रही है तो इसका मतलब है कि वो आप में इंटरेस्टेड है। जी हाँ, आज तक आपने यही सुना होगा कि एक लड़की अगर किसी लड़की को इग्नोर करती है तो इसका मतलब होता है कि वो उसे पसंद नहीं करती, वो उससे हेट करती है, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती है। मगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगता है कि जब ये मुझे इग्नोर करती है तो मेरे इर्द गिर्द क्यों मंडराती रहती है, जब मैं इसे अच्छा नहीं लगता हूँ तो क्यों ये मुझे अटेंशन दे रही होती है, जब ये मुझे पसंद नहीं करती है तो क्यों ये मुझे बार बार देख रही होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, लड़की इग्नोर करती क्यों है, और वो इस तरीके से इग्नोर करके आपको कैसे बताती है, जबकि जितने भी सवाल है ना वो कि आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में अपना प्यार एंड तक बनाए रखिएगा, बिना वीडियो को स्किप किए हुए छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, इस वीडियो पे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको इस बात को नोटिस नहीं करना है कि वो मुझे इग्नोर कर रही है तो वो कर क्यों रही है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि उसका नेचर कैसा है। देखो फ्रेंड, मैं आपको एक लॉजिकली एक बात समझाता हूँ। जब हम किसी को नहीं जानते तो हमको उसको लेकर के कोई फीलिंग नहीं होती है, किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता हमारे ऊपर। वो हमें देखे ना देखे, वो हमें अटेंशन दे या ना दे, वो हमसे बात करे या ना करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक लड़का हो चाहे एक लड़की हो। मगर जब हम किसी के लिए फील करने लग जाते हैं, जब हमें कोई इंसान अच्छा लगता है, हम उससे एक से दो बार मिले होते हैं, एक से दो बार बात कर रहे होते हैं, तो वो हमें ना चाहते बहुत ही ज्यादा पसंद आने लग जाता है, जिसके चलते हम चाहते हैं कि उसके सामने किसी भी तरह का कोई खराब इंप्रेशन ना पड़ जाए, कोई खराब बातें ना निकल जाए, कोई खराब ऐसी कोई चीज मेरे अंदर नोटिस ना कर ले जिसके बाद ये मुझसे दूर भागने लग जाए। हम उसके लिए उसके सामने क्यूट बॉय या फिर कहे क्यूट गर्ल बनने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है हम उसके सामने सो स्वीट वाली हरकतें करने लग जाते हैं, लाइक जैसे कि शर्माना। जी हाँ, शर्माना। आपको पता है फ्रेंड, लड़की जल्दी किसी लड़के से नहीं शर्माती है। हाँ, वो बात अलग है कि 2 से 3 महीने से बात हो रही है, आपको वो अच्छी तरीके से जानती है, पड़ोसन है, रोज बातें चलती है, तो वो नहीं शर्माएगी। क्यों नहीं शर्माएगी? क्योंकि वो आपको जानती है, ठीक है। मगर अगर उसके अंदर शर्म आने लग गया है तो जाहिर सी बात है वो आपको पसंद करने लग गई है, इसलिए वो अब आपको देखने का नजरिया ही चेंज कर दी है। जो आपके लिए वो थॉट नहीं थे ना उसके माइंड में, वो सारे थॉट आ चुके हैं, जैसे कि आपकी परवाह करना, आपके साथ लाइफ का हर एक समय को इस टाइम को स्पेंड करना, आपके साथ बातें करना, आपके साथ घुल मिल कर रहना, आपके साथ हर वो जगह देखना जितनी उसने सोच रखा। अब ये सिचुएशन आपको समझ में तो नहीं आएगा, मगर आपको ये चीज क्रिएट करके जरूर दिखाएगी वो, जैसे कि आपके सामने शर्माएगी, आपको देखेगी, आपको देख करके मन ही मन मुस्कुराएगी, आपको देख करके नहीं दिखाएगी ऐसा कि मैं आपको ही देख रही हूँ, मगर जैसे ही आप उसको देखोगे तो नजरें इधर सुधर कर लेगी, जिसके बाद आपको लगता है कि वो मुझे इग्नोर कर रही है। असल में वो इग्नोर नहीं कर रही होती है, उसे कन्फर्म होना है कि क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हो, क्योंकि वो तो आप में इंटरेस्टेड है ही। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि सर, मैं उस लड़की के क्लोज जाता हूँ, जैसे उसके क्लोज पहुँचता हूँ वो लड़की की रफ्तार चेंज हो जाती है, वो एकदम तेज से भाग जाती है, इसका मतलब ये मुझे पसंद नहीं करती। भाई, आपको देख करके क्यों भाग रही हो, कभी आप सोचते हो? आपको देखते ही वो नर्वस क्यों हो जाती है, आपको देखते ही उसकी निगाहें नीचे क्यों हो जाती है, आपको देखते ही उसकी इधर सुधर निगाहें क्यों पहुँचती है? आफ्टर ऑल वो आपको पसंद करती है। ये फ्रेंड एक जरिया होता है, मगर लड़के लोगों को लगता है ऐसा कि नहीं, वो मुझे इग्नोर कर रही है, नहीं वो बातें कहीं और कर रही है, मगर नजरें मेरे पास है, मगर जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो उसका पूरा ध्यान अपनी फ्रेंड या अपनी कॉलिंग, अपनी चैटिंग या जो भी वो कर रही हो उस पर ध्यान चला जाता है। तो कैसे मान लूं कि वो मुझे पसंद करती है, वो तो इग्नोर कर रही है। इग्नोर करना नहीं होता भाई, इग्नोर करना होता है एक अलग ही लेवल का होता है कि आपको देखते ही दूर भागने के मन कर रहा, आपको देखते ही गुस्से वाले मुंह बना लेना, आपको देखते ही मतलब ऐसा रिएक्ट करना कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार इससे तो टोकना भी बेकार है, समझ गए? ऐसे रिएक्ट करेगी जैसे कि आप वहां पर हो ही नहीं। ऐसा होता है इग्नोर, ये तो साइन होता है, अपोजिट साइन होता है कि मैं आपको पसंद करती हूँ बट आप समझ नहीं पा रहे। क्लियर? ये कोई पहला पॉइंट क्लियर करने का सिर्फ मेरा एक ही रीजन है, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल यही पूछे गए थे मुझसे, तो मैंने कहा चलो क्लियर कर देता हूं। एंड इसके अलावा हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की।
देखो सबसे सिंपल तरीका है पता लगाने का कि वो मुझे पसंद करती है तो जाहिर सी बात है वो मुझे नोटिस करेगी, है चलो नोटिस नहीं भी करती है एटलीस्ट आई कॉन्टैक्ट करेगी, और आई कॉन्टैक्ट होगा तो जाहिर सी बात है लॉन्ग टाइम का तो होगा नहीं, 3 से 4 सेकंड का होगा, है ना। और 3 से 4 सेकंड के बाद अगर वो अपनी आई कॉन्टैक्ट हटा ले, नजर इधर से उधर फेर ले, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमें इग्नोर कर रही है। नहीं भाई, ये भी एक तरीका होता है बताने का कि मैं आपको पसंद करती हूँ। रियलिटी ये है फ्रेंड कि अगर वो आपको पसंद नहीं करती या फिर आप उसे अच्छे नहीं लगते तो वो आपसे आई कॉन्टैक्ट करती ही नहीं, वो आपको देखती ही नहीं, मगर वो आपको देख रही है, मगर जब आप उसे देखते हो तो नजरें हटा लेती है। भाई ये भी मतलब होता है कि अब वो आप में इंटरेस्ट लेने लग गई है, अब आपका जो देखने का मतलब उसके तरफ से जो देखने का नजरिया था आपको लेकर के वो चेंज हो चुका है। बस आपको ये समझना है, ठीक है। और इसी में एक बात मैं अगर समझाना चाहूँ तो बहुत छोटी सी पॉइंट होगा कि अगर लड़की आपसे बात नहीं करती है, ठीक है, आपसे ज़्यादा टोका टाकी नहीं है उसकी, ज़्यादा बोलचाल नहीं है, मगर फिर भी वो आपके इर्द गिर्द मंडराती रहती है, आप उसे दिन भर में कम से कम 10 से 12 बार नोटिस करते हो अगर आप भी उसके आसपास रहते हो तो, वरना दिन भर में 2 बार तो नोटिस होता ही है, ठीक है ना। आप अक्सर नोटिस करते हो कि मतलब ये किसी न किसी बहाने से इधर से उधर मंडराती रहती है, जैसे कि मेरे पड़ोसन में उसकी कोई फ्रेंड है तो उसके नाती ये बार बार आती है, है ना। अपनी क्लास में देखता हूँ मैं, बार बार मेरे बगल की किसी भी दोस्त से बोलने कुछ भी काम करने के बहाने मेरे इधर से उधर जाती रहती है, तो ये इत्तफाक हो सकता है, 1 से 2 बार इत्तफाक होता है, मगर ये बार बार होना इत्तफाक नहीं है, ठीक है ना। एक चीज को अगर बार बार किया जाए, बार बार हुआ आपके साथ, तो उसे इत्तफाक नहीं कहते हैं। आप पहले अच्छे तरीके से इस बात को समझ लीजिए। क्लियर, मैं क्या कहना चाहता था आपको कि अगर लड़की आपको बार बार देखती है, आपके इर्द गिर्द मंडराती रहती है, आपसे बात करने की कोशिश करती है मगर बात नहीं करती है, तो इसका मतलब होता है कि वो आप में इंटरेस्टेड है। बस समझना है भाई, समझना है। और सबसे आखिर में तीसरा पॉइंट, लड़की जब जानती है ना कि लड़का मुझसे बात नहीं कर रहा है, लड़का मुझे अप्रोच नहीं कर रहा है, इस लड़के का ध्यान किसी और के पास जा रहा है, तो वो आपको दिखा करके इग्नोर करती है, जिसे हम कहते हैं जानबूझकर इग्नोर करना, जिससे आप उतावले होने लग जाओ, बेचैन होने लग जाओ कि तेरी फ्रेंड मुझे को ऐसे क्यों देखती है, अरे वो वूमन मुझे इस तरीके से क्यों रिएक्ट करती है, बात क्या है, ऐसे क्यों इग्नोर करती है मुझे, मैं तो उसे कुछ कहता भी नहीं मगर मुझे देखती है मुंह फुला लेती है, मुझे देखते नजरें फेर लेती है, ऐसा कर क्यों रही है। इसलिए ताकि आप कोई कोई एक्शन लीजिए, जैसे कि आप उससे बात करने जाओगे फिर भी वो मुंह खोल लेगी, अगर आप उसे अप्रोच करने जाओगे फिर भी आपसे बात नहीं करेगी, आपको परेशान करने के लिए कि आप उसके लिए कितने ज्यादा पागल हो सकते हो। वरना आप सोचो, एक बात बताओ, इग्नोर करने का मौका हम दे रहे हैं तभी ना इग्नोर हो रहे हैं, नहीं तो इग्नोर करेगी कैसे किसी को वो, है आपको देख कर क्यों ऐसा रिएक्शन है, आपको देख करके क्यों उसका एक्टिविटी ऐसी होती है, आप इस चीज पे ध्यान नहीं देते। तो ये थे आपके कुछ सवाल जिसके मैंने जवाब दिए। अगर आप लोग कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हो, आई होप मैं उस पर भी एक्सप्लेन करके वीडियो बना दूंगा, ठीक है मेरे भाई। अभी के लिए तो बस इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना है, तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है मेरे भाई। और हो सके इस वीडियो से अगर मदद हुई हो तो प्लीज यार इस वीडियो पे एक लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना, हो सके तो यार वीडियो को शेयर करना, शेयर नहीं करते यार प्लीज़।